मैं डायरेक्टर अजय कुमार झा, अभी जस्ट हमने एक फिल्म कम्प्लीट की है माई रे माई लगी चाहिए, तो उसका फर्स्ट लुक अभी आउट हम लोग किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म का इसके फर्स्ट लुक का, और पोस्ट प्रोडक्शन लगभग तय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है लगभग, तो उम्मीद करते हैं छठ या आसपास में जो भी अच्छा डेट मिलता है हम रिलीज़ करेंगे पिक्चर को। कलाकार के बने कौन कलाकार हैं और कहाँ का शूट किया इस फिल्म का? इस फिल्म को हम लोगों ने गुजरात में शूट किया है पूरी तरह से, पूरा जो फिल्म का जो बेस था गुजराती था, और हीरो हमारे जो चिंटू पांडे जी हैं वो हैं, हीरोइन प्रीति ध्यानी जी हैं, सुशील सिंह जो विलन का जो कैरेक्टर किया वो है उन्होंने, फिल्म के राइटर हमारे साथ लालजी यादव जी हैं, प्रोड्यूसर हरेश प्रजापति जी हैं, अर्जुन गुप्ता जी हैं, और तो इसके अलावा बहुत मनोज टाइगर जी हैं, अजय जी बहुत पीछे ही हमारे, अजय सुरंश जी वो भी हैं, मतलब तो काफ़ी भरा पूरा मन कास्टिंग है। आपसे जानना चाहूँगा सर, फिल्म के निर्माता हैं, अजय जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा है? एकदम बढ़िया रहा सर, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस फिल्म करके, इनके साथ अजय कुमार झा जी के साथ डायरेक्टर हैं, हमारे राइटर हमारे मित्र गुप्ता जी, काफ़ी सपोर्ट रहा सबका, और बहुत खुशी, आज बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरी फिल्म पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है, फर्स्ट लुक हम लोगों ने आउट कर दिया है, बहुत अच्छा लगा, लोगों का रिस्पांस आके मन को एकदम अच्छा लगा कि हमने हमारा आज मेहनत रंग लाया है, कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छी बजट की फिल्म बनाई है जो एक अच्छा दर्शकों को मिलने जा रहा है, और बहुत जल्द ही इसका जो है डेट हम लोग ये कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, जहाँ की जैसे कि आप समझ लीजिए शर्ट वोट का जो है शर्ट का टारगेट है, या वन वीक पहले या वन वीक बाद। नरेश जी, आप चिंटू के बारे में क्या कहेंगे? कितना नहीं, चिंटू जी का एकदम उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत यंग स्टार हैं, बहुत अच्छा उन्होंने किया, और उम्मीद मैं करता हूँ कि मैं हर समय उनके साथ काम करते रहूँगा। लाल जी यादव, कितना सपोर्ट किया आपको लिखने में? बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। अच्छा, ये यादगार हैं मेरे जीवन के राइटर और मैं इनको कभी नहीं भूल सकता हूँ। अच्छा, कुछ कोई ऐसा डायलॉग नहीं लिखा जिससे आपको गला कट दे? ये नहीं, ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। हाँ, भविष्य में मेरे लिए लिखने वाले हैं ये। हाँ, और ये इनको मैं बोला अभी कुछ टाइम हम लोग लंच पे बोला है कि भाई यही आप ही हो। अच्छा, दो चार बुराई इनके बारे में कहा जाए तो कोई? अब इनके बारे की बुराई आप मेरे मुंह से क्या सुनिएगा, पूरी इंडस्ट्री जो है बुराई क्या है, अच्छाई है और बुराई सबके अंदर है, मेरे अंदर भी बुराई है, मैं सिर्फ बुराई लेता हूँ। नहीं नहीं, बता दीजिए लाल जी, क्या आपको सबसे ज्यादा भोजपुरी पसंद आता है? भोजपुरी में इस तरह के मतलब कहानी ज़्यादा चलते हैं? देखिए, भोजपुरी में वो सब दर्शक के ऊपर है कि किस टाइप की फिल्में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी फिलहाल में तो जो चल रहा है वो तो मैटर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा है आपका पाकिस्तान वाला, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के पीछे ही नहीं ज़्यादा जाना चाहिए। मैंने इससे पहले लिखा था दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, जो 2016 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का नाम है माई रे माई हमारा कुहे लगी चाहिए, मतलब किस तरह की लड़की आप दिखाना चाहते हैं दर्शकों के सामने? दर्शकों के सामने हम नहीं, हमारे जो यूपी बिहार के जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लड़के लोग हैं, तो जो लोग जो सोच रखते हैं अभी जो प्रेजेंट टाइम है, जो एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो सब जो सोच अभी बना के रखे हैं कि मुझे इस टाइप का लड़की चाहिए, उसी सोच को मैंने पकड़ के इस फिल्म को बनाया है माई रे माई हमारा उहे लड़की चाहिए। और कुछ नया प्रोजेक्ट? नया प्रोजेक्ट अभी तो आप लोग, हम जहाँ आए हैं वहाँ पे अभी शूटिंग चल रही है, अभी मुहूर्त भी हुआ है, या अली बजरंग बली इसको मैं ही लिखा हूँ, इसके बाद भी दो तीन फिल्में हैं जो राइटिंग चल रहा है अभी, जैसे आपका चल रहा है अग्निपथ, अभय सिन्हा जी का चल रहा है आपका माँ तुझे सलाम, राजकुमार जी का है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट टू रोमियो, बाकी ऐसे है फिल्में। डायरेक्टर अजय जी हैं, कभी आपके लिखने पे कैसी चलाते हैं शूटिंग के दरमियान? मैं जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है, मैंने बहुत सारे फिल्में मतलब मैं लिखे हैं बहुत सारे, मतलब बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, बड़े बड़े लोगों प्रोड्यूसरों के साथ, लेकिन बाकी लोगों में इन लोगों में ना सब लोग ठीक है, मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग अपने हिसाब से सब अच्छे हैं, लेकिन अजय जी का ना फर्स्ट टाइम इनके साथ मैंने काम किया और इनके साथ मुझे बहुत अच्छा मतलब अनुभव रहा, और बहुत अच्छे हम लोग एक तक बना कर ना हम लोग इस काम की, इसमें इनका भी कुछ सजेशन होता था, हम लोग कभी ऐसे नहीं बाकी लोगों की तरह हला गुला नहीं किए, या कुछ हम लोगों के बीच ऐसा कुछ मन मुटाव नहीं हुआ, इनका सजेशन कुछ आता था मुझे लगता था नहीं यार मैं कहीं पे थोड़ा सा चूक रहा हूँ, मैं राइटर हूँ भगवान नहीं हूँ कि मैं एक ही बार वो करूँ, लेकिन इनका कुछ चीज़ें देख के ना मुझे लगता था अरे यार ये आदमी ने कितना सिंसियर है, और बाद में मुझे पता चला इन्होंने एक बहुत बड़े हिंदी राइटर का असिस्टेंट रहे हैं, तभी बोला कि भाई इतना बाकी डायरेक्टरों को देखे इनको भी देखे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों में इनका रहा। अरे जी, इतना बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है,
नहीं नहीं, जब लाल जी ने बताया था एक फिल्म के लिए तो हम पहले ही समझ लिए थे कि बड़ा सब्जेक्ट है, अच्छे से शूट करना पड़ेगा। तो नरेश जी को मैं थैंक यू बोलता हूँ, गुप्ता जी को थैंक यू बोलता हूँ, इनको बताया था पहले कि भैया जो अमूमन जो हम चिंटू को लेकर फिल्म बनाते हैं उससे 20 लाख ऊपर जाने वाला है मैटर कम से कम, है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक यूपी बिहार के जो पब्लिक है, जनता है जो गुजरात में रह रहे हैं और गुजरात में एक लड़की से प्यार हो जाता है और पूरा गुजरात जो है मतलब इस चीज़ में लग जाता है कि मिलन नहीं हो, और वहाँ के जितने भी लोकल हमारे बिहारी भाई हैं चाहे यूपी के जो भाई हैं वो कैसे एक हो करके, तो इतना आसान सब्जेक्ट नहीं था हमारे लिए कि पूरा गुजरात पे कंट्रोल किया जा सके। गुप्ता जी के गुप्ता जी के मुझे यही बोलेंगे कि मुझे हो तो गुप्ता जी से और जब भी आते हैं मैं साइड में गुप्ता जी के मुझे काले हो जाते हैं और क्या रहा से सब पूछो के अभी तक ये अंधेरी नहीं गए हैं वरना ऊपर वाला जब काला हो गया होता मलाड में इसके लिए भी सबसे पहले नमस्कार। हम लोग ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मायरे हमरा उहर लड़की चाहें, मायरे माए हमरा उहर लड़की चाहें, और उसके अलावा हम लोग ने पिक्चर बनने में कहीं भी कंप्रोमाइज में नहीं किया कि हम यहाँ पैसा बचाए वहाँ पैसा बचाए, जहाँ जितना लगा हुआ है हम लोग ने पूरा लगा करके अच्छे से अच्छा पिक्चर बनाने का प्रयास किया है जो कि दर्शकों को पसंद आए। आपको किस तरह की लड़की चाहिए पर्सनली? भाई हमें तो लड़की मिल चुकी है 20 साल पहले। मतलब कैसी अच्छी है, झगड़ा हो जाता नहीं? हमारे जो मिली है वो बहुत अच्छी है। पहले 20 साल पहले छोड़ दीजिए, अब औरत हो गई है। हाँ तो लड़की कैसी चाहिए? अभी लड़की नहीं चाहिए, अभी जो मिली हुई है वही काफ़ी है। देखिए छोटा मोटा तो मतलब मामूली का है, लेकिन आपसी झगड़ा हम लोग का कभी नहीं हुआ है। छोटा मोटा मतलब कोई तारीफ या कुछ बुराई करना नहीं, तारीफ तो मतलब जितना करें उतना कम। नाम अभी न्यूज में लेकर मतलब नहीं है, गर्लफ्रेंड भाग जाएगा कि नाम लीजिएगा? नहीं नहीं, लेकिन जितना तारीफ करें उतना कम है, जो कि जीवन साथी हैं, हर सुख दुख में मतलब साथ रहती हैं, कोई ये नहीं है मतलब कभी भी उन्होंने नहीं चाहा कि मतलब हमें तकलीफ हो, आज तक ऐसी बात कभी नहीं की उसने। बाकी का तो छोटे मोटे हर परिवार में मियां बीवी हैं। अगर कहना शुरू कर माई रे माई हमें हुए लड़का चाहिए तो नहीं बोलेंगी वो, कभी ऐसी नहीं बोलेंगी। लड़का हो गया, अब लड़का हो चुका है, दो हमारे बराबर भी है तो कभी तक आप लोग रिलीज कर रहे हैं? ये हम लोग अभी सोचे हैं छठ में रिलीज करने के लिए, अभी देखिए भगवान ने चाहा तो हो जाएगी रिलीज। सर आप क्या कहेंगे, क्या इस फिल्म में रोल अदा कर रहे हैं? इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है कि जो लड़की होती है हीरोइन होती है गुजरात की हीरोइन होती है, उसकी शादी मुझे से तय होती है, लेकिन बीच में तो अब हीरो आ जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स और मस्ती वाली हो जाती हैं। तो फिल्म से झलक रहा कॉमेडी बहुत ज़्यादा होगा। हाँ कॉमेडी भी अच्छा है और सारा इमोशन है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल कॉमेडी है, ऐसे ऐसे टच हैं कि मतलब फिल्म में लोग को रुलाएगी भी फिल्म में कि कहानी ऐसी है और कॉमेडी है, फाइट बहुत ज़बरदस्त है, फाइट काफ़ी अच्छा शूट हुआ है, तो हर एक चीज़ है इस फिल्म में और फिल्म 100% धमाल करेगी। अच्छा जी बारे में कौन? अजय जी के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म थी और मैंने एक चीज़ के लिए हमेशा, ये इतने साइलेंटली काम करते हैं, इतने स्मूथली काम निकालते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कि हाँ इतना कोई शोर शराबा नहीं कुछ नहीं, आराम से बैठते हैं और जो इनको चाहिए आराम से करते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं किसी को, हाइपर नहीं होते। थैंक यू। किस तरह लड़की चाहिए? मुझे तो ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है जो है। कितनी कर सकते हैं जी? ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, अजय सर की बहुत ही, यानी कि इस फिल्म की पूरी इंटायर टीम को बहुत बहुत मेहनत हुई है, इन लोगों ने की है, इनसे ये फिल्म बहुत अच्छी स्टोरी पे है और भगवान ने चाहे ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होंगी।